सो नेटवर्क आफ्टर फॉरवर्ड पास। अभी फॉरवर्ड पास क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, अभी एज कम लाइक यू नो एज पर द रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय ब्रिजिट। अभी ये देखो, हार्ड ए एक्टिविटीज हार्डवेयर सिलेक्शन। ओके, नाउ ड्यूरेशन इज 6 ए एक्टिविटी। अभी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हमने यहाँ पे ए एक्टिविटी लिख दी। ड्यूरेशन यहाँ पे हमेशा ड्यूरेशन होता है। अभी देखो वहाँ यहाँ इसमें एक्टिविटी ऑन नोड है ये, राइट। इसमें एक स्टैंडर्ड वे ऑफ यू नो व्हाट यू से ड्राइंग होता है। ये जो लेट मी टेक द हाइलाइटर हियर, एक्टिविटी का नाम हमेशा मिडल में लिखा जाता है। ओके, एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमेशा उसके ऊपर, ये होता है स्टार्ट डेट, अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, ये होता है लेटेस्ट स्टार्ट डेट, सॉरी ये होता है अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, ये है लेटेस्ट स्टार्ट डेट। ओके, और ये होता है अर्लीस्ट एंड डेट। ओके, अर्लीस्ट एंड डेट और ये है लेटेस्ट एंड डेट। ओके, सो ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट डेट यहाँ पे, ये वाला अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, अर्लीस्ट एंड डेट, लेटेस्ट स्टार्ट डेट, लेटेस्ट एंड डेट। ओके, ये है ड्यूरेशन, ये है एक्टिविटी का नाम। ऑलराइट, अभी बाकी रहा ये आइटम और ये प्लेस, राइट। ये होता है फ्लोट। ओके, फ्लोट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा टाइम दैट वी आर गोइंग टू गेट टू वर्क ऑन दिस एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग ऑल अदर डिपेंडेंसीज। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू प्लेस योर नोड अलॉन्ग विथ अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, अर्लीस्ट एंड डेट, लेटेस्ट स्टार्ट डेट, लेटेस्ट एंड डेट, फ्लोट, ड्यूरेशन। ओके, नाउ अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, अर्लीस्ट एंड डेट इज फाउंड बाय फॉरवर्ड पास, व्हाइल लेटेस्ट स्टार्ट डेट, लेटेस्ट एंड डेट इज फाउंड बाय बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास इज नथिंग बट वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड वी कीप ऑन असाइनिंग अ डेट हियर, 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 वी कीप ऑन असाइनिंग डेट्स फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। बैकवर्ड पास में वी स्टार्ट विथ फिनिश एंड देन वी कीप ऑन असाइनिंग द लेटेस्ट एंड डेट एंड लेटेस्ट स्टार्ट डेट। पहले तो लेटेस्ट एंड डेट दिया जाता है, बाद में डिपेंडिंग ऑन लेटेस्ट स्टार्ट डेट, अगेन लेटेस्ट एंड डेट, लेटेस्ट स्टार्ट डेट फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। दिस इज नथिंग बट फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। अभी चलो देखते हैं कि फॉरवर्ड पास कैसे वर्कआउट होता है। ऑल राइट, अभी या लेट अस कंपेयर दिस नेटवर्क विद दिस स्पेसिफिकेशंस। अभी हमने ये देखा, एक्टिविटी बी इज सिस्टम कॉन्फिगरेशन विच हैज ड्यूरेशन ऑफ 4 वीक्स। एक्टिविटी बी 4 वीक्स, राइट। एक्टिविटी सी इंस्टॉल हार्डवेयर, ड्यूरेशन इज 3 वीक्स एंड इट डिपेंड्स ऑन ए, राइट। एक्टिविटी सी डिपेंड्स ऑन ए, सो इट इज आफ्टर ए वी हैव ड्रॉन एक्टिविटी सी एंड ड्यूरेशन इज 3 वीक्स। देन एक्टिविटी डी इज डेटा माइग्रेशन, ड्यूरेशन इज 4 एंड इट कम्स आफ्टर बी। एक्टिविटी डी कम्स आफ्टर बी 4 वीक्स, राइट। सो बी इज प्रेसिडेंस टू डी, राइट। देन एक्टिविटी ई इज 3 वीक्स, इट्स प्रेसिडेंट इज बी, सो बी के बाद ही ई स्टार्ट होगा, राइट। बी के बाद ही ई स्टार्ट होगा, सी इट हैज कनेक्टिविटी हियर, डिपेंडेंसी शोन एंड ड्यूरेशन इज 3 वीक्स। एफ इज टोटल 10 वीक्स, इट डज नॉट हैव एनी प्रेसिडेंस। ओके,
F is 3 weeks, right? F is 10 weeks. It does not have any precedence. It starts like project start होने के बाद directly F आएगा, जैसे A और B आया, right? A और B और F को precedence नहीं है, इसलिए इट स्टार्ट्स एज सुन एज द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, राइट? ए बी और एफ को प्रेसिडेंस नहीं है. नाउ जी इज थ्री ड्यूरेशन, वी आर वीक इज थ्री एंड डिपेंडेंसी ऑन ई एंड एफ. जी को एफ का डिपेंडेंसी है, एफ पे डिपेंडेंसी है, और ई को ई पे भी डिपेंडेंसी है, और ड्यूरेशन इज थ्री, राइट? ओके. एच को सी और डी पे है, ड्यूरेशन इज टू. एच को सी और डी पे डिपेंडेंसी है, ये देखो, और ड्यूरेशन इज 2 वीक्स. ओके, सो सिंपली इन दिस वे वी ड्रॉ द नेटवर्क, अ बेसिक नेटवर्क फर्स्ट. सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज यू हैव दिस स्पेसिफिकेशन. ओके, यूजुअली आपको ये स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा, उस पे आप नेटवर्क ड्रॉ करेंगे. तो पहले तो एक स्टेप है कि आप सिंपली ऐसे ब्लैंक नेटवर्क ड्रॉ करना है कि जिसको डिपेंडेंसी नहीं है वो दे विल स्टार्ट फर्स्ट. स्टार्ट होने के बाद वो एक ड्रॉ कर लो, बाद में उसकी डिपेंडेंसीज डिफाइन करो ऐसे. ओके, हमने अभी देखा, राइट? यू कैन प्रैक्टिस यूजिंग दी स्पेसिफिकेशंस फर्स्ट. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग फॉरवर्ड पास. अभी हमें क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट डेट और अर्लीस्ट एंड डेट हमें असाइन करनी है यूजिंग फॉरवर्ड पास. फॉरवर्ड पास से ही अर्लीस्ट स्टार्ट डेट और अर्लीस्ट एंड डेट असाइन होती है. बैकवर्ड पास से लेटेस्ट एंड डेट और लेटेस्ट स्टार्ट डेट असाइन होती है. ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दीज ऑल फैक्टर्स वी कैलकुलेट एफ, ये फ्लोट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज यूजिंग फॉरवर्ड पास. लेट अस सी नाउ. ओके, फॉरवर्ड पास हम यूज करेंगे. अभी फॉरवर्ड पास का रीजनिंग अभी मैं बताती हूँ. एक्टिविटी ए बी एंड एफ स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर वी प्रोजेक्ट, लाइक व्हेन वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट. ओके, इसलिए एक्टिविटी ए बी और एफ स्टार्ट होगी वीक जीरो पे, राइट? सी एक्टिविटी ए वीक जीरो पे स्टार्ट हुई, एक्टिविटी बी भी वीक जीरो पे, और एक्टिविटी एफ भी वीक जीरो पे स्टार्ट होगी. ओके, नाउ एक्टिविटी ए टेक्स 6 वीक्स टू कंप्लीट एज पर स्पेसिफिकेशंस, राइट? हमने देखा यहाँ पे. ऑलराइट, एक्टिविटी ए को 6 वीक्स लगने वाले हैं, इसलिए अर्लीएस्ट इट कैन फिनिश, के अर्लीएस्ट इट कैन फिनिश विल बी 6 वीक, राइट? दिस इज नथिंग बट वीक 6. ओके, 6th वीक को ये खत्म हो जाएगा, होना चाहिए. अर्लीएस्ट मीन्स जल्दी से जल्दी ये 6 वीक्स तक खत्म होना चाहिए एक्टिविटी. नाउ एक्टिविटी बी विल टेक 4 वीक्स. सो ये कब खत्म होना चाहिए? ऑफकोर्स वीक 4 में ये खत्म हो जाएगा, राइट? एक्टिविटी एफ स्टार्ट्स एट 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव डिपेंडेंसी, दैट वी ऑलरेडी हैव सीन. और ये चलेगा 10 वीक, 10 वीक्स इन टोटल, तो इसका एंड डेट होगा एक्टिविटी 10, सॉरी वीक 10. ओके, सो हमारे एक्टिविटी ए बी और एफ की हमें अर्लीस्ट स्टार्ट डेट और अर्लीस्ट एंड डेट मिल गई है. ओके, नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड. नाउ एक्टिविटी सी ये कब स्टार्ट होनी चाहिए? एज सुन एज दिस एक्टिविटी ए एंड्स, राइट? मैं कर्सर कहीं पे चला जा रहा है. ओके, एक्टिविटी सी शुड स्टार्ट एज सुन एज एक्टिविटी ए एंड्स, सो इट विल बी वीक 6. यहाँ पे वीक 6 में ये खत्म हो जाएगा, ये वीक 6 में ये स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ
ये वीक सिक्स में स्टार्ट होने के बाद ये 3 वीक्स चलेगा, तो ये एंड होना चाहिए वीक 9 में, राइट? नाउ एक्टिविटी डी और ई का देखेंगे। डी कब स्टार्ट होना चाहिए? ऑफ कोर्स वीक 4 में, बिकॉज ये एंड हो रहा है वीक 4 में, और ऑफ कोर्स ये भी वीक 4 में ही स्टार्ट होना चाहिए एक्टिविटी ई, बिकॉज ये एंड हो रहा है वीक 4 में, राइट? बी वाला, ओके? अभी ये हो गया एक्टिविटी सी, हो गया डी, हो गया ई, हो गया। अभी एक्टिविटी डी का एंड डेट क्या होगा? 4 + 4, विच इज वीक 8। अभी एक्टिविटी ई का अर्लीस्ट स्टार्ट एंड डेट क्या होगा? एक्टिविटी सॉरी 4 + 3, विच इज 7। ओके, सो ए बी सी डी ई एफ हो गया। अभी एच और जी बस बाकी है। अभी यहाँ पे देखो, एक्टिविटी जी, यहाँ पे ध्यान दो, एक्टिविटी जी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बोथ ई एंड एफ आर कंप्लीटेड, बराबर है? जी स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक ई और एफ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, देखो इट इज कनेक्टेड टू एफ एंड ई। अभी ये ई तो खत्म हो जाएगा वीक 7 में, लेकिन एफ खत्म होगा वीक 10 में, सो एक्टिविटी जी शुड वेट टिल वीक 10 टू स्टार्ट। यूजर ट्रेनिंग तभी स्टार्ट होगा जब स्टाफ रिक्रूट होगा, राइट? वो स्टाफ को ही तो ट्रेनिंग देने वाले हैं, राइट? इसलिए ये स्टार्ट डेट ऑफ एक्टिविटी जी विल बी वीक 10। अंडरस्टूड व्हाई इट इज स्टार्टिंग ऑन वीक 10? बिकॉज ये एक्टिविटी जी एक्टिविटी ई और एफ पे डिपेंडिंग है, और ई तो 7th वीक में खत्म हो जाएगा, लेकिन एफ खत्म होने के लिए जी को इंतजार करना पड़ेगा, ओके? सो एक्टिविटी जी स्टार्ट्स एट वीक 10, ऑलराइट? एंड ऑफ कोर्स एक्टिविटी जी विल एंड एट शुड एंड एट वीक 13, सो दिस विल बी द अर्लीएस्ट एंड डेट ऑफ एक्टिविटी जी। अभी एज का देखते हैं। अभी एज इज डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी। अभी सी कब होने वाला है खत्म? एंड सॉरी 9th वीक, और डी खत्म होने वाला है 8th वीक, सो ऑफ कोर्स एक्टिविटी एज शुड वेट फॉर 9 और फॉर सी टू कंप्लीट, सो एक्टिविटी एज 8 विल स्टार्ट एट 9th वीक, और इट शुड एंड अर्लीएस्ट एट वीक 11, ओके? सो लुकिंग एट दिस, व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट व्हेन बोथ एक्टिविटी एच एंड एक्टिविटी जी आर कंप्लीटेड, ओके? सो द अर्लीएस्ट एंड डेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी वीक 13। डू यू सी दिस? वीक 13, वीक 13 विल बी द अर्लीएस्ट एंड डेट ऑफ आर प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस इज द डेट व्हेन वन ऑफ द एक्टिविटी, दिस इज द व्हाट यू से अर्लीएस्ट डेट व्हेन वन ऑफ द एक्टिविटी एंड्स, विच इज एक्टिविटी जी। ये तो 11th में स्टार्ट खत्म होने वाली है, राइट? बट वी हैव टू वेट, राइट, फॉर एक्टिविटी जी टू एंड। सो कंप्लीट प्रोजेक्ट वीक 13 में खत्म हो जाना चाहिए, राइट? सो टू मैनेजमेंट वी कैन नाउ नोटिफाई दैट ये हमारा प्रोजेक्ट वीक 0 में अगर स्टार्ट हुआ, तो वीक 13 में हम एंड कर देंगे। किसी भी हालत में ये एंड होना ही चाहिए इफ यू वॉन्ट द कस्टमर टू बी हैप्पी विथ यू, ओके? सो दिस इज नथिंग बट फॉरवर्ड पास, ऑलराइट? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके? सो नाउ लेटर ऑन वील सी हाउ टू असाइन दिस लेटेस्ट स्टार्ट डेट एंड लेटेस्ट सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट डेट और लेटेस्ट एंड डेट। यहाँ पे देखो, लेटेस्ट स्टार्ट डेट यहाँ पे है और लेटेस्ट एंड डेट यहाँ पे है। हम ये कैसे फिगर आउट करेंगे? यूजिंग बैकवर्ड पास,
ये नीचे वाले वैल्यूज हमेशा बैकवर्ड पास से ही आते हैं, लेटेस्ट स्टार्टेड और लेटेस्ट एंडेड।